वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हेक्सागॉन पैटर्न यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेक्सागॉन पैटर्न क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक लेयर क्रिएट करनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रेक्टेंगल टूल है, इसी पे हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पर से हमें पॉलीगन टूल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम क्रिएट कर रहे हैं हेक्सागॉन। तो हेक्सागॉन में कितनी साइड्स होती है, 6। ओके, तो हेक्सागॉन क्रिएट करना है, यहाँ पे साइड्स पे हम जाएंगे और इस पे टाइप करेंगे 6। तो 6 साइड्स का हमने यहाँ पे कोई शेप जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो ये हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 6 साइड्स का हमने यहाँ पे कोई शेप जो है क्रिएट कर लिया है। तो इसी में हमें कलर चेंज करना है, तो कैसे कलर चेंज करेंगे, फिल पे जाएंगे, तो जो भी कलर हमें यहाँ पे को चेंज करना है वो हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लाइट ब्लू ही रख रहे हैं। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रोक पे जाना है। स्ट्रोक पे जो भी कलर हमें यहाँ पे को चूज करना है वो हम यहाँ पे को चूज कर सकते हैं, बट अभी हमने ग्रीन रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको रोटेट करना है, कंट्रोल टी करेंगे, रोटेट करना है, रोटेट कर लेंगे। और अगर इसे हमें इसके साइज को बढ़ाना है, मर्ज करेंगे, साइज को जितना बड़ा करना है या छोटा करना है वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेंटर पे लेके आ गए, प्लेस किया। नेक्स्ट क्या करना है, मूव टूल पे जाना है, एग्जैक्ट सेंटर करना है, तो कंट्रोल ए से हमारी लेयर सिलेक्ट हो जाती है। देन ये है टॉप, बॉटम, सेंटर। तो टॉप टू बॉटम क्या किया हमने, इसे सेंटर कर लिया है। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर, तो लेफ्ट टू राइट भी हमने इसे सेंटर कर लिया। ओके, तो टॉप टू बॉटम भी सेंटर कर लिया और लेफ्ट टू राइट भी हमने इसे सेंटर कर लिया। अब हमें क्या करना है, लेयर को डी सिलेक्ट, तो कंट्रोल डी करेंगे, लेयर डी सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमें करना है इसी को ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट कैसे करेंगे, कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल जे से इसका डुप्लीकेट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, डुप्लीकेट करने के बाद क्या करना है, इसे थोड़ा सा रोटेट करना है, तो कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसे रोटेट कर लिया। ठीक है, तो जितना भी हमें इसे रोटेट करना चाहते हैं उतना हमने इसे रोटेट कर लिया। शेप चेंज करना है इसके, साइज को चेंज करना है, साइज इसका हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साइज को नेक्स्ट वापस से हमें क्या करना है, इतने को हमें करना है ऑफसेट। तो पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पॉलीगन टूल में, स्ट्रोक बढ़ानी है, स्ट्रोक हमने इसकी बढ़ा दी। नेक्स्ट हमें सेकंड वाले की भी स्ट्रोक को बढ़ाना है, तो उसको भी हम इसको स्ट्रोक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे हम आए, इसी को हमें ऑफसेट करना है। क्या करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे जाने के बाद अदर्स पे जाएंगे, अदर पे जाने के बाद ऑफसेट, ऑफसेट पे हम जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे डालना है हमारा जितना भी हमने जो कैनवास क्रिएट किया है उसी का हाफ। ठीक है, जितने पिक्सल्स का हमने कैनवास क्रिएट किया है, जितनी उसकी वेथ और हाइट रखी है, उसका हाफ हमें हॉरिजॉन्टल में डालना है और हाफ हमें वर्टिकल। जैसे हमने कैनवास क्रिएट किया है 5000 बाई 5000 का, तो हमने हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे 2500 डाला है और वर्टिकल में भी हमने यहाँ पे को 2500 डाला है। ठीक है, तो इसी में हमें क्या करना है, इसी को ओके करना है, ओके पे हमने क्लिक किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमारा जो शेप है, हमारा हेक्सागॉन है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इक्वल 4 पार्ट्स में। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे को एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद डिफाइन पैटर्न पे जाना है, डिफाइन पैटर्न पे जाने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा पैटर्न जो है वो सेव हो गया है। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे हम गए, थर्ड नंबर पे पैटर्न है, पैटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पैटर्न है इसका स्केल हम कम करेंगे। ठीक है, तो जितना हम इसका स्केल कम करेंगे हमारा जो पैटर्न है वो उतना छोटा होता जाएगा, मीन्स जो शेप है वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एंटर, तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 4 जो है वो फ्लावर्स की तरह आ रहे हैं, ये 4 फ्लावर्स की तरह आ रहे हैं, ये 4 फ्लावर्स की तरह आ रहे हैं, ये 4 फ्लावर्स की तरह आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम जो भी यहाँ पे को पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें चेंजेस करना है, पैटर्न क्रिएट करना है या फिर जिस भी तरीके से कलर फिल करना है, स्ट्रोक देनी है, चेंजेस करना है, वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं। ऐसे ही हमें इन सभी पे अगर अलग अलग कलर फिल करना था तो हम अलग अलग कलर भी इनमें फिल कर सकते हैं, कोई और अगर चेंजेस करने हैं तो कोई और चेंज भी हम यहाँ पे को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अभी क्या करेंगे, इसी के आइस को क्लोज करेंगे। इन्हीं में कोई चेंजेस करने हैं तो कैसे चेंज करेंगे, ऑफसेट वाली लेयर को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसी वाली लेयर को कंट्रोल टी, इसके साइज को छोटा करना है, मर्ज करके साइज को किया छोटा, ओके प्लेस करेंगे, स्ट्रोक थोड़ा सा कम करनी है, कम कर दी, कलर चेंज करना है, ब्लू के हमें रखना है ग्रीन थोड़ा डार्क में, और स्ट्रोक भी चेंज करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे को स्ट्रोक चेंज करके ये वाली रख ली है, हमारा कलर ग्रीन ये वाला फिल कर लिया है, और स्ट्रोक हमने चेंज करनी है, रेड ले लेनी है।
तो रेड ले ली, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी पे कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे करके उसी का हमने क्या किया, डुप्लीकेट किया, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद क्या करना है, इसको रोटेट, तो ये हमने इसे रोटेट कर लिया, ठीक है। एंटर, वापस से कंट्रोल जे डुप्लीकेट किया और कंट्रोल टी करेंगे, इसी को थोड़ा और रोटेट कर लेंगे, तो ये फिर से रोटेट कर लिया। इसी के साइज़ को छोटा करना है तो इसको क्या करेंगे, मर्ज और साइज़ को छोटा, ठीक है। ये इसके साइज़ को हमने छोटा कर लिया, इसी के पहला वाला जो है उसी को करेंगे कंट्रोल टी मर्ज साइज़ छोटा, तो जो भी चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके साइज़ को इतना रख लिया है, तो सबसे बाहर वाला है इसको भी हम इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये हमने इसके साइज़ को इतना बड़ा कर लिया, कंट्रोल टी किया मर्ज किया, इसके साइज़ को भी थोड़ा बड़ा कर लेना है। नेक्स्ट हम इस वाले को भी प्लेस करेंगे, एंटर, इस वाले पे जाएंगे कंट्रोल टी मर्ज करके साइज़ को बड़ा, ये हमने बड़ा कर लिया। इसी के अंदर एक और हमें करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल टी मर्ज साइज़ को छोटा, रोटेट करना है तो थोड़ा सा रोटेट, ठीक है। इनमें ही कलर चेंजेस करने हैं, हम इनमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में स्ट्रोक बढ़ानी है शिफ्ट के साथ, सभी को साथ पे सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक सबकी बढ़ा देनी है, कलर चेंज करना है सभी के साथ पे, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर सभी के हमें कलर रखना है वाइट, तो हमारी केवल क्या है यहाँ पे को हमें वाइट शोर है और केवल हमारा जो बॉर्डर है वो हमें शोर है, ठीक है। तो हमने वाइट कर लिया, इसी को हमें वन लेयर में कन्वर्ट करना है, सारे के सारे 1 2 3 4 फोर हैं, हमें एक लेयर पे चाहिए, तो क्या करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर पे ओके, तो ये सारी लेयर्स हमारी एक लेयर में आ जाएगी, तो ये हमारी लेयर्स जो है वो सारी एक लेयर में आ गई है, ठीक है। अब हम एक क्या एक क्लोज करेंगे तो पूरा हमारा जो शेप है वो क्लोज हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक हेक्सागॉन क्रिएट किया जिसके अंदर हमने कई सारे हेक्सागॉन जो है उनके साइज को छोटा 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 करके यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो इसी में हमें क्या करना है, इसी का हमें पैटर्न क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल जे डुप्लीकेट हो गया इसी का, ओके, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करा, थोड़ा रोटेट कर लिया, ऑपोसिटी को इसकी कम रखना है तो इसकी ऑपोसिटी को कम रख लेंगे, ठीक है। तो हमने इसकी ऑपोसिटी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो जैसे भी इसको चेंजेस करना है वो हम यहाँ पे को चेंज कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा रखनी है, जितनी भी कम रखनी है वो चेंज कर लिया, ठीक है। ये हमने किया, नेक्स्ट हमें लास्ट वाले की भी ऑपोसिटी को थोड़ा सा कम रखना है, तो उसकी भी हम ऑपोसिटी को थोड़ा कम रख सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे दोनों को साथ में, कंट्रोल टी करेंगे, आप जिस भी तरीके से इसे क्रिएट करना चाहते हैं आप उस तरीके से यहाँ पे को इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया है, साइज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, हमने छोटा ही रखा है, एंटर, फिल्टर पर गए, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर किया, ओके किया, दोनों वापस से हमारे एक ही फिल्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंट्रोल जे करेंगे और क्या कर देंगे, फिल्टर पे जाके ऑफसेट कर देंगे, ठीक है। तो ऑफसेट ही हमारा हो जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारा क्या है, ऑफसेट हो गया है। तो ऑफसेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसे एडिट पे जाना है, वापस से डिफाइंड पैटर्न पे जाना है, तो हमारा ये क्या होगा, पैटर्न पे सेव हो जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न पे सेव हो गया है। अब हमें यहाँ पे को पैटर्न पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो फर्स्ट हमने ये वाला पैटर्न क्रिएट किया था ऑफसेट करके, ठीक है। तो इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे पैटर्न पे, तो हमारा ये पैटर्न वाला फिल पैटर्न का पॉपअप ओपन हो जाएगा, पैटर्न फिल का, लास्ट हमने ये क्रिएट किया है, इस पे जाना है, ओके, देन यहाँ पे हमारा 22 में ही वो क्रिएट हो गया, ओके करेंगे, तो जो लास्ट हमने अभी पैटर्न क्रिएट किया है वो हमारा यहाँ पे को क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसको जूम करना है, कंट्रोल प्लस करेंगे, इसे बड़ा करके हम यहाँ पे को देख सकते हैं, कंट्रोल जीरो किया, फिट टू फ्रेम हो गया है। तो ऐसे ही हमें पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करने हैं, हमने क्या किया, हमारे बैकग्राउंड से सेम वाइट बैकग्राउंड था तो हमने वाइट ही हमारे जो शेप है हेक्सागन उनका कलर फिल कर लिया और उनमें स्ट्रोक दे दी थी रेड, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे को केवल स्ट्रोक हमें शो हो रही है, बैकग्राउंड जो हमारा कलर है वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो बैकग्राउंड से मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे हमें सिर्फ स्ट्रोक का अगर कोई पैटर्न क्रिएट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, उन्हीं के साइज़ को हमने छोटा किया है, उन्हें थोड़ा रोटेट किया है और ऑपोसिटी कम करी है और स्ट्रोक दिया है, तो ऐसे भी चेंज करके उसमें बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं, जितने चेंजेस करने हैं जिस तरीके से क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि कैसे हम यहाँ पे को पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर के, उनमें ऑपोसिटी को कम या फिर ज़्यादा रख के और उनमें थोड़े से चेंजेस करके। थैंक यू।